आरोपी अगर 14 साल का भी हो, 15 साल का हो, इतनी बुद्धि है जब वो रेप करना सोच रहा है तो फिर उसका वो आदमी नहीं, वो बालक नहीं रहा, वो पूरा बालिग हो चुका है, तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए। अगर वो रेप की कांड पे जा रहा है तो उसको 100% सजा मिलनी चाहिए। उसकी उम्र 14 हो, 12 हो और 16 हो, उसमें कोई वो भय जब तक क्रिएट नहीं होगा, ये बलात्कार इतने पवित्र हिंदुस्तान में, ये धरती इतनी देवी देवताओं की धरती है, मैंने आपने ट्रेलर में देखा ऋषि मुनियों की धरती है, और ये कुछ हवस के ये जो दरिंदे हैं इसको बदनाम करना चाह रहे हैं। हमारा नाम देश के बाहर बहुत बिगड़ रहा है, फॉरनर टूरिस्ट आने से डरते हैं कि नहीं ना गोवा में रेप हो रहा है, ना यहाँ रेप हो रहा है, वहाँ हमारी इमेज कुछ गंदे लोगों की वजह से ख़राब हो रही है, और वो कुछ है, लेकिन वो कुछ को भय पैदा करना बहुत ज़रूरी है। और ये फिल्म देख के तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं। हिंदुस्तानी रवि किशन ने कहा, जो अपने भारत को, अपनी धरती को प्यार करता है। जाते जाते डायलॉग यही है कि हिंदुस्तान देवी देवताओं की धरती, ऋषि मुनियों की धरती, लेकिन कुछ दरिंदे अपनी हवस की वजह से इसे बदनाम करना चाहते हैं, और मैं रघुराज प्रताप सिंह ये होने नहीं चाहता। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। आरोपी अगर 14 साल का भी हो, 15 साल का हो, इतनी बुद्धि है जब वो रेप करना सोच रहा है तो फिर उसका वो आदमी नहीं, वो बालक नहीं रहा, वो पूरा बालिग हो चुका है, तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए। अगर वो रेप की कांड पे जा रहा है तो उसको 100% सजा मिलनी चाहिए। उसकी उम्र 14 हो, 12 हो और 16 हो, उसमें कोई वो भय जब तक क्रिएट नहीं होगा, ये बलात्कार इतने पवित्र हिंदुस्तान में, ये धरती इतनी देवी देवताओं की धरती है, मैंने आपने ट्रेलर में देखा ऋषि मुनियों की धरती है, और ये कुछ हवस के ये जो दरिंदे हैं इसको बदनाम करना चाह रहे हैं। हमारा नाम देश के बाहर बहुत बिगड़ रहा है, फॉरनर टूरिस्ट आने से डरते हैं कि नहीं ना गोवा में रेप हो रहा है, ना यहाँ रेप हो रहा है, वहाँ हमारी इमेज कुछ गंदे लोगों की वजह से ख़राब हो रही है, और वो कुछ है, लेकिन वो कुछ को भय पैदा करना बहुत ज़रूरी है। और ये फिल्म देख के तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं। हिंदुस्तानी रवि किशन ने कहा, जो अपने भारत को, अपनी धरती को प्यार करता है। जाते जाते डायलॉग यही है कि हिंदुस्तान देवी देवताओं की धरती, ऋषि मुनियों की धरती, लेकिन कुछ दरिंदे अपनी हवस की वजह से इसे बदनाम करना चाहते हैं, और मैं रघुराज प्रताप सिंह ये होने नहीं चाहता। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा।